Yeah, my dear students, now the last part we are coming, okay? But he had the courage to hear every lesson to the very last. Mr. Hamel बहुत ही हिम्मत वाले आदमी हैं. आखिरी दम तक वो यहाँ इस चीज सिचुएशन को फेस करेंगे और स्कूल छोड़ के जाएंगे नहीं. After the writing, we had a lesson in history. Writing section के बाद हम history के कुछ lesson पढ़ने लगे. And then the babies chanted their ba bi bi bo bu. मतलब बेबी सारे एक साथ पढ़ते पढ़ते जो छोटे छोटे बेबी है वो इतिहास पढ़ने लगे थे और एक साथ पढ़ने में जैसे साउंड निकलता है वो साउंड निकलने लगा. Down there, at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles. Hauser means librarian cum accountant, जो मैंने कल कहा था वो बैठे हुए हैं नीचे अपने चश्मा पहन के and holding the primer in both hands. Primer means the books of rules. मैंने बोला था नियम कानून के बुक जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, details और particulars, सारे विवरण जो जिसमें लिखा हुआ है उसे कहते हैं primer, the books of rules and details. Okay? Filled the letters with them. Primer देखो जो हौसर बैठे हुए हैं वो भी बच्चों को एनकरेज करने के लिए बच्चों के साथ इन्हीं शब्द को दोहरा रहे हैं. जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी उन्हीं शब्द को दोहरा रहे हैं. ही कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. वो भी रो रहे हैं. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन. उनकी आवाज़ कांप रही थी. ठीक है. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. हम सब लोग हंसेंगे या रोएंगे समझ नहीं पाए हमारे वो हौसर साहब को देख के, क्योंकि वो अजीब सा माहौल बना चुके हैं. एम्बियंस ही हैज क्रिएटेड अ डिफरेंट एम्बियंस. ही वॉज बिट इमोशनल एट दैट टाइम एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट वॉज द लास्ट लेसन. यस, इस लास्ट लेसन को कभी मैं भूलूंगा नहीं. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. चर्च की घड़ी में अभी 12 बज चुके हैं. देन द एंजेलस. एंजेलस मीन्स द होली प्रेयर. एंजेलस की बहुत बड़ी कहानी है कि इट वॉज एट द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न. जब जीसस क्राइस्ट पैदा हो रहे थे उस टाइम पे मैरी को ये बुक दिया गया था जस्ट टू रीड आउट द बुक एंड डू सम प्रेयर फॉर हैविंग सम सन. एक लड़के को पाने के लिए, जीसस क्राइस्ट को पाने के लिए ये प्रेयर मैरी को करना था. पर हमें इतने बड़ा जानने की जरूरत नहीं है. एंजेलस मीन्स द होली प्रेयर. उसके बाद सब लोग प्रेयर करने लगे. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन. प्रशियन सोल्जर्स रेफर्स टू जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्वीडन. कम्बाइंडली दिस सोल्जर्स आर कॉल्ड प्रशियन. कुछ देर दूर में ही प्रशियन सोल्जर्स की ट्रम्पेट, ओके, मतलब उनकी म्यूजिक की साउंड सुनने लगे सबको. ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल. वो ड्रिल मतलब मार्चिंग करके जो सोल्जर मार्च करते हैं उसे कहते हैं ड्रिल. ड्रिल करके लौट रहे थे. साउंडेड अंडर आर विंडोज. हमारे खिड़की के बिल्कुल नीचे उनके ड्रिलिंग करने का साउंड हमें सुनाई दिया. ओके, साउंडेड द ड्रिलिंग अंडर आर विंडोज. मिस्टर हैमल स्टूड अप. मिस्टर हैमल खड़े हो गए. वेरी पेल. वो आज बहुत ही पेल मतलब बहुत ही फीका लग रहा है उनका चेहरा. ही वॉज लुकिंग वेरी सैड इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. आज मैंने मिस्टर हैमल को बहुत ही टॉल देखा. इसका टॉल का मतलब है कि ही वॉज रियली डिटरमाइंड पर्सन. माई फ्रेंड्स सेड ही आई मीन्स हिज वॉइस वॉज चॉक्ड. देखो उनकी आवाज़ रुक गई, वो बोल नहीं पाए. मतलब ही वॉज सो इमोशनल. ही वॉज फील्ड विद ऑल इमोशन दैट ही कुड नॉट अटर द साउंड प्रॉपरली. ही कुड नॉट सेड एवरीबडी. दैट्स वाई हिज वॉइस वॉज चॉक्ड. इट वॉज बीन जस्ट स्टक अप बट समथिंग चॉक्ड हिम. ही कुड नॉट गो ऑन. मैं बोलना चाहते थे कुछ पर बोल नहीं पाए. देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड bearing on with all his might. M-I-G-H-T. Might means power. अपने सारी ताकत के साथ, power के साथ उन्होंने कुछ लिखा. क्या लिखा? He wrote a large as he could. जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने लिखा. Vive le France. Vive मतलब long, le मतलब leave, France. France जुग जुग जिए. Vive le France. That is called the last patriotic word. Mr. Hamel believed that French language will stand on this testimony and country France will again be helpful to fight back. वो ये भरोसा रखते थे, इसीलिए उन्होंने just to increase some patriotism, just to enhance some patriotism among the French people, he wrote all these words. Then he stopped and leaned his head against the wall. देखो, he did not have the courage to face the audience. वो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने ऑडियंस को फेस करे, अपने रीडर्स को, अपने स्टूडेंट्स को फेस करे. ओके, इसलिए वो दीवार की तरफ सर पीछे की तरफ कर दिए. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू आस विद हिज हैंड. और हाथों के साथ इशारा करके, जैसे हम लोग के हाथों को इशारा करके किसी को कहते नहीं, जाओ जाओ, गो गो गो, लाइक दैट. ही वॉज
जेस्चरिंग इज एन एंड सेड स्कूल इज डिसमिस यू मे गो, आप लोग जा सकते हो, स्कूल डिसमिस हो गया. इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर ब्यूटिफुल चैप्टर द लास्ट लेसन. होप यू हैव अंडरस्टूड माई डियर स्टूडेंट्स. इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज शेयर, like and subscribe my channel. It is only for your benefit, just to get out all the videos at once stroke. Okay.